उनको शायद भगवा धर्म के बारे में, भगवा धारण के बारे में और खुद योगी जी के बारे में कि उनका परिवार एक सांस्कारिक हिंदू परिवार है। परिवार तो महात्मा का होता नहीं, लेकिन जिससे मठ से आए हैं वही उनका परिवार है और संस्कारों में वो पले हैं। भगवा धर्म पे, भगवा चोले पे, हिंदू धर्म पे आक्षेप लगाना ये कांग्रेस की आदत बन चुकी है। अपनी परंपराओं के अंतर्गत आज कांग्रेस की नेता के द्वारा जो इस प्रकार की बातें की गई, मुझे तो लगता है कि उनको इस बात का एहसास ही नहीं कि ये है क्या, भगवा है क्या, इनको पता ही नहीं, क्योंकि परिवार में उस प्रकार के संस्कार की आवश्यकता थी। हो सकता है कि कहीं किसी दूसरे देश के संस्कार मिले हों, किसी दूसरे प्रकार का संस्कार उन्होंने लिया हो। ये सहिष्णुता के बारे में, भगवा धर्म के अहिंसा की प्रवृत्ति के बारे में, भगवा चोले के महत्व के बारे में उनको पता होना चाहिए, तो उनको पता नहीं हुआ और उन्होंने अनर्गल आरोप लगा डाले। मैं समझता हूं कि आज ये 2020 मैच चल रहा है, बहुजन समाज पार्टी के, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो पराजय चुनाव में हुए भी और लोकसभा के चुनाव में पराजय हुई, सभी को अपना वोट बैंक सकता दिखाई पड़ा। अब इस समय बहुजन समाज पार्टी के वोटों को कैसे काटें, क्योंकि बीजेपी का वोट तो कट नहीं सकता, बीजेपी का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है, इस बात का परिचायक है कि 12 में से 9 सीटें हमने जीती भी थी। आज वो अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के नाम पर ये भूल गए कि वो दंगाइयों को समर्थन देने का काम कर रही है। वो ऐसे लोगों पर जिन्होंने पत्थर चलाए, राज्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने गोलियां बरसाई, जिनके खाली कारतूस और तमंचे बरामद हुए, उन लोगों के पक्ष में खड़ी हुई दिखाई पड़ी इस बात के लिए कि किस प्रकार से वो वर्ग विशेष को भ्रम में डालकर उनके अपने पक्ष में खड़ा कर सके और बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी से ज्यादा अपने आप को सहायता बना सके। ये सपा और कांग्रेस का आपस का द्वंद्व है कि कौन किस प्रकार से जनाधार खींचे। कभी ये बीएसपी का जनाधार खींचना चाहते हैं, कभी ये सपा का, कभी सपा कांग्रेस और बीएसपी का। ये तीनों के अंतर द्वंद्व का परिचायक है आज तुष्टिकरण का, उस प्रकार का व्याख्यात्मक स्वरूप कि एक नेता सीधे सीधे भगवा को ही कलंकित करने का काम करे, आरोपित करने का काम करे, दुष्प्रचारित प्रचारित करने का काम करे, भगवा पे आरोप लगाए कि वो, जैसे लगता है कि भगवा जो है वो हिंसा का परिचायक बन गया है। ऐसा लगता है कि जैसे भगवा ही सारा द्वंद्व छेड़ने का कारण बन गया है, जिससे लगता है कि भगवाधारी मुख्यमंत्री जो है वो किसी प्रकार का अनिष्ट अन्य धर्मों का करने वाले हैं। आज जब शांति की व्यवस्था पूरे प्रदेश में है, ऐसे समय इस प्रकार का दुष्प्रचार करके प्रदेश की शांति को नष्ट करने के लिए किसी प्रकार के दुष्प्रचार से लोग अपने आप को आगे कौन निकल जाए इसकी होड़ लगा रहे हैं। कभी आदरणीय अखिलेश जी, कभी आदरणीय प्रियंका जी, और कभी बीच बीच में छुपे छुपे राहुल जी का प्रलाप भी सुनाई पड़ता है। मैं समझता हूं कि ये सारा ये वोट बैंक को किस प्रकार से तैयार करें उसके लिए एक रिहर्सल करने का काम ये लोग कर रहे हैं। आप जानते हैं कि खुलेआम मीडिया में कैसे बने रहें, इसके लिए सारे नियम कानून को ताक पे रख दिया। कांग्रेस की तो आदत में ही शुमार है कि कानून को ना मानना, 144 लगी हो तो तोड़ दो। कहां पर आपके जितने लोग हैं, अगर उपद्रव भी भड़काने के लिए आ रहे हैं तो उनको आप एकत्रित कर दो, उनको आप गलत सूचना देकर उनको भ्रम में डालने के लिए कोई भी भाषण दे डालो। ये कुछ दिनों से इस प्रकार का दुष्प्रचार कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है। आप जानते हैं सीआरपीएफ के द्वारा भी ये कहा गया, एक जो अत्यंत सुरक्षा के घेरे में दायरे में रहता हो, सीआरपीएफ प्रोटेक्टेड हो, वो बगैर अपने नियत कार्यक्रम के दूसरे के कार्यक्रम के लिए अचानक से धक्का देते हुए पुलिस कर्मियों को, अपने सुरक्षा कर्मियों को
और बैठकर स्कूटी पर जिसका लाइसेंस भी नहीं, जिसका कागजात भी नहीं रखा हो, जिसमें हेलमेट भी नहीं पहना हो, न चलाने वाले ने न बैठने वाले ने नियम दफा 144 लगी हो, तोड़ते हुए निकल जाओ और निकलने के बाद आप जो है पुलिस पर ही आरोप लगा दो। कौन सी पुलिस? जिस पुलिस कर्मी पर आरोप लगाया है उसके परिजन की मृत्यु हो गई थी, लाश पड़ी हुई थी, और उस लाश पड़ी हुई अपने परिजन की लाश की चिंता न करके अपनी ड्यूटी की चिंता की उस महिला ने, और उस महिला पुलिसकर्मी ने इनको सुरक्षा देने के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। कर्तव्य का निर्वहन करते समय उसने झूठे आरोप लगा दिए कि क्योंकि मीडिया का कवरेज चाहिए था, किसी को दुष्प्रचारित करना था, नियमों को तोड़ना था, और इसलिए इस प्रकार का आचरण किया गया। मैं समझता हूं कि जितनी ज्यादा से ज्यादा शब्दों में निंदा हो सकती है इस प्रकार की निंदा करनी चाहिए। आप जानते हैं कि अब से पहले भारतवर्ष को ये सब, कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान का विकास नहीं देख सकती। कौन सा विकास है कि ये विकास की बात करते तब सपेरों का देश ही बताते थे, सपेरों को दिखाकर यहाँ के विकास की अवधारणा को दूषित करने का काम करते थे। आज ये डिजिटल इंडिया है, आज कंप्यूटर आज हाथ में सांप लेकर प्रदर्शन करने वाला नौजवान नहीं है, आज हाथ में कंप्यूटर लेने जाने वाला नौजवान जब दिखाई पड़ता है, डिजिटल इंडिया का प्रतिभागी दिखाई पड़ता है, तो वो इनसे बर्दाश्त नहीं है, और उसके लिए तरह तरह के अनर्गल आरोप आज ये लगाकर देश में चाहे कोर्ट का कोई आदेश हो, चाहे देश में कोई भी दफा लगी हो, उसका उल्लंघन करना है, और उल्लंघन करने के बाद इस प्रकार का आचरण करना है कि हम दिखाई पड़े कि हम प्रताड़ित हैं। आप इस बात से भली बात अवगत हैं कि श्री राम जन्मभूमि के संबंध में माननीय न्यायालय का जब निर्णय आया, यही भगवादारी, यही भगवा पहने हुए जिनको आप वो हिंदू धर्म का परिचायक बताते हैं, उन्हें क्या किया कि किसी प्रकार का कोई जुलूस नहीं निकलेगा, किसी प्रकार का कोई जश्न नहीं बनेगा, इस पर प्रतिबंध लगाया, कड़ाई के साथ लगाया। यह निष्पक्षता है उत्तर प्रदेश सरकार की, यह प्रतिबद्धता है अपने शासन व्यवस्था को कायम करने की, और इसके बजाय आज उन पर आरोपित करना, ये सरकार का काम है कि कानून व्यवस्था को कायम करे। अगर कोई राज्य की संपत्ति को जला रहा होगा, अगर कोई बसों को जला रहा है, अगर कोई प्रतिबंधित बोर के तमंचे से खुलेआम गोलियां चला रहा है, तमाम लोगों के बारे में, तमाम जो तमंचे मिले हैं, तमाम खुले हुए कारतूस जो सैकड़ों की संख्या में प्रतिबंधित बोर के मिले हैं, कहां से आ गए? शांतपूर्वक जो भी प्रदर्शन करता है सरकार उसके खिलाफ नहीं है। सरकार का स्पष्ट अभिमत है एक भी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई उपद्रवी है, राज्य की संपत्ति को नुकसान में पहुंचाया है, तो राज्य की संपत्ति में नुकसान को पहुंचाने वाले की संपत्ति से वसूली हो। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा माननीय न्यायालयों के समय समय पर अभिमत भी यही आए हैं कि राज्य की संपत्ति को जलाने वाले प्राइवेट संपत्ति को जलाने वालों से वसूली के क्या नियम हो सकते हैं, इसका उल्लेख समय समय पर कोर्ट ने किया है। वर्तमान सरकार अगर न्यायालय के आदेशों के परिपेक्ष में कार्य कर रही है तो आप उसको कटघरे में खड़ा करेंगे? आप उसको भगवा धारण कहेंगे? आपने तमाम धर्मों का उल्लेख किया होगा, लेकिन हमेशा से एक ही बात कहना, एक ही धर्म को मानने वालों को कटघरे में खड़े करना, एक ही धर्म को मानने वालों को गलत गलत शब्दों के बयान में अलंकरण करना, ये मैं समझता हूं कांग्रेस के परिवार की परिपाटी बन गया है। और वो हर पीढ़ी के लोग, क्योंकि घर का वातावरण में शायद हिंदू धर्म के बारे में नहीं सिखाया गया होगा, नहीं तो इस प्रकार की बात आज भगवा पहनने वाले एक सन्यासी के बारे में नहीं कहते। मुख्यमंत्री जी कानून के पालक हैं, उनका नैतिक दायित्व है कि उत्तर प्रदेश में वो कानून व्यवस्था को कायम करें, और जो एनपीआर को लेकर नागरिक संशोधन बिल के बारे में लगातार कांग्रेस के द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में अपना अभिमत दिया है कि ये किसी धर्म विशेष के विरुद्ध नहीं है, इसमें किसी धर्म से कुछ लेने की बात नहीं की जा रही है, किसी नागरिक से कुछ लेने की बात नहीं की जा रही है, इसमें जो वंचित थे
जिनको अधिकार आजादी के बाद से मिलना चाहिए था नहीं मिला है, उनको अधिकार देने की बात हमारी सरकार ने किया है। इससे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को नागरिकता का अधिकार प्राप्त हुआ है। जो मुस्लिम बंधु के संबंध में एक भी शब्द इसमें नहीं कहा गया कि उनके किसी प्रकार के एक छोटे से अधिकार का भी कहीं से हनन किया गया है। इसके बजाय पूर्व आईएएस अधिकारी पढ़े लिखे हैं, धारा 144 लगी है, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं,